नौकरी क्यों नहीं करते? नौकरी नहीं करनी है, बाबा के बाबा बनेंगे, बाबा बनेंगे, बाबा योगी आदित्यनाथ। ये सुनिए भाई, ये का एक नया उत्तर प्रदेश में तथ्य निकल गया, वो नौकरी करना ही नहीं चाहते, वो बाबा बनना चाहते। 5 किलो क्या, 1 किलो भी ना मिलता, 5 किलो की तो बात कर रहे हो आप। मिंतू ना बेचारे गरीब आदमियों को नहीं पाता है, और मिले तो ऐसे मिलता है कहू मिलगो कहू न मिलगो। ये पीसीएस अधिकारी था, मैं डीएम था, आप डीएम थे। हाँ, इससे पहले ये लोग यो कहते हैं, बात आ रहा था कोई धंधा ही ना, मजूरी कर रहा, मजूर तो अपने मजूरी कर रहा, खा रहा अपने। सिलेंडर भेजे थे, कछु भी ना मिले, कछु नहीं मिले, कछु नहीं मिले, कछु नहीं मिले। जैसे गाय दूध दे रही है तो मैं रख रहा हूँ, और दूध देना बंद कर दिया, मैंने छोड़ दी। कोई नौकरी नहीं मिली है किसी बच्चे को तक, वाल्मीकि समाज के किसी बच्चे कुछ कोई कोई नौकरी नहीं है। धर्मशाला वाल्मीकि समाज के लिए कहीं बारात रुकने के लिए नहीं है। जय भीम, मैं अनिल कुमार बहुजन सेंचुरी चैनल से आज आया हूँ। सुबह के इस समय 9:20 हुआ और मैं हूँ नारकी धोकल गांव के वाल्मीकि मोहल्ला में, और यहाँ मैं देख रहा हूँ किस तरह से ये बहुत गरीबी का आलम दिख रहा है। घर ऐसे ही कम बने हुए, कहती सरकार कहती घर के लिए दिया, सरकार कहती हमने ये किया, सरकार अपने वो करती, और यहाँ गरीबी का आलम, गरीबी से त्रस्त लोग। और वाल्मीकि मोहल्ले में हम इस समय आए हैं और हम जानना चाहेंगे इनकी समस्याएं, क्या समस्याएं हैं भाई साहब? क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है हाकिम सिंह। हाकिम सिंह जी, हाँ जी। तो वाल्मीकियों के लिए तो बीजेपी सरकार ने बहुत सारा काम किया। कुछ नहीं किया था, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। रुको, नहीं गए विधायक हो गए, अरे रुको, विधायक हो गए, उनने कुछ नहीं करवाया। पानी के लिए इतने दुखी हैं बहुत ही ज़्यादा, कोई टंकी मुसलमान का प्रोसेस कोई नहीं, टंकी की कोई सुनवाई नहीं हुई, सगाते ऐसी कह जाते, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, समाज पे अत्याचार हुए। हाँ, कुछ नहीं हुआ। एक एक धर्मशाला वाल्मीकि समाज के लिए कहीं बारात रुकने के लिए नहीं है, अब स्कूल में रुकने नहीं देते हैं, स्कूल में रुकने नहीं देते, कोई नहीं रुकने है नहीं। वाल्मीकि समाज को, हाँ जी, तो सरकारें चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे सपा की हो, वो सब कहते हैं वाल्मीकि समाज को बहुत कुछ कुछ नहीं किया था। हमारी मायावती जी जब आई थी तो उन्होंने 1,08,000 वाल्मीकि समाज के लोगों को नौकरियां दी थी सरकारी, कुछ नौकरी नहीं है साहब। बीजेपी सरकार ने कितनी नौकरियां, यहाँ को एक नौकरी नहीं मिली है किसी बच्चे को तक, वाल्मीकि समाज के किसी बच्चे कुछ कोई कोई नौकरी नहीं है। हाँ जी, आप लोगों के लिए तो बड़ी सुविधाएं दी थी, सिलेंडर भेजे थे, कछु भी ना मिले, कछु नहीं मिले, कछु नहीं मिले, कछु नहीं मिले, कछु नहीं मिले। ये हालत है कि बताने को भी नहीं तैयार, उनको कोई सुनवाई नहीं होती, नहीं होती, कहते कोई यहाँ कोई काम नहीं होगा, तुम्हारा सुनवाई नहीं होती। हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि वाल्मीकि समाज के आगरा में किस तरह से वाल्मीकि समाज का एक नौजवान लड़के को पुलिस कस्टडी में जिंदा जिंदे बच्चे को मार दिया गया, और वाल्मीकि समाज पे कितना बड़ा अत्याचार, बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ बलात्कार किया ठाकुर समाज के लोगों ने, और बाद में सरकार ने, डीएम ने, डीएम और एसपी ने मिल करके उस बहन मनीषा वाल्मीकि को रात में ही जला दिया। इतना भारी अत्याचार योगी की सरकार में हुआ, और ये अच्छे दिन लाने वाली सरकार ने, क्या अच्छे दिन आ गए आप लोगों के? नहीं आए, अच्छे दिन नहीं आए, नहीं आए। अच्छा, तो सरकार बनेगी नहीं तब अच्छे दिन आएंगे जी? सरकार बनेगी, सरकार किसकी बनेगी? बहन मायावती की बननी चाहिए। जब बहन मायावती की, मायावती को देंगे, मायावती को वोट दे, क्यों मायावती को क्यों देंगे, और योगी को क्यों नहीं देंगे? उन्होंने तो पता चला बहुत सारे पैसे भी भेजे हैं, तो क्या करे, जो देंगे जो सब देंगे हमें दे देंगे, और क्या परेशानी है ये सब की? तो परेशानी नहीं है तो फिर दोबारा दे दो उन्हीं को। हाँ तो दे देंगे, उन्हीं को दे देंगे। अच्छा, अरे मतलब ये हालात है, कह रहे पहले भी परेशानी में फिर भी दे देंगे, चलिए अच्छी बात है। तो अच्छा, हाँ जी, क्या सुनना है आपका, क्या काम जा, क्या तो देंगे, मजदूरी कर रहे हैं साहब, मजदूरी कर रहे हैं, गरीब तो अच्छे दिन आ गए, वो बता रहे थे अच्छे दिन आ गए, तो अच्छे दिन आ गए हैं, अच्छे दिन, अच्छे दिन ही है। मत्ती बत्ती बिल बढ़ा दिए, महंगाई बढ़ा दिए, महंगाई बढ़ा दी, खाने को क्या मजूरी मिल जाए तो खाया, नहीं तो घर बैठ भूखे मरो। सरकार ने कहा कोई मजूरी को कोई धंधा खोल दो मजूर के लिए, यहाँ तो जिंदा लगा के फिर आवाज आ रहा था कोई धंधा ही ना मजूर के लिए, मजूर तो अपने मजूरी कर रहा, खा रहा अपने, मजदूरी भी नहीं मिल रही, ये समस्या है कोरोना। हाँ, ना मिल रही साहब, मजदूरी के लिए परेशान है आदमी, नहीं देते कोरोना में, निकलने नहीं देते घर से बाहर,
कल ने नहीं देते तो फिर 5-5 किलो अनाज योगी जी ने भेजा है क्या? पाँच किलो क्या, एक किलो भी ना मिलता, 5 किलो की तो बात कर रहे हो आप। तो मिंतू ना बेचारे गरीब आदमियों को नहीं पाता है और मिले हुए तो ऐसे मिलता है काऊ मिलेगो काऊ ना मिलेगो। पीछे हैं कुछ लोग पीछे हैं, चलिए बात करते हैं। हाँ जी, आपसे बात कर रहे हैं, क्या शुभ नाम है? मुकेश मिश्रा। मुकेश मिश्रा जी, हाँ जी मिश्रा जी, तो क्या मतलब माहौल क्या देख रहे हैं? माहौल तो बढ़िया चल रहा है, बढ़िया माहौल चल रहा है। कहाँ वोट डालेंगे? वोट तो हमारा बीजेपी गया, बाबा की है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई रोकने है, और कोई बेरोजगारी नहीं है। इससे पहले ये पीसीएस अधिकारी था, मैं डीएम था, आप डीएम थे, हाँ, इससे पहले ये लोग यो कहते हैं, नहीं ये लोग यो कहते हैं कि बेरोजगारी हो गई है। इससे पहले नहीं, मेरी बात का मतलब समझे, नहीं मेरी बात का मतलब समझे, इससे पहले लोग ये कहते थे कि बेरोजगारी हो गई, बेरोजगार में आगे, इससे पहले ये डीएम एसपी थे ना, अब ये बेरोजगारी में आगे, नौकरी खत्म हो गई, अब ये बिल्कुल ठलुआ बैठे हैं। तो बेरोजगारी क्यों है? हर कोई आदमी कमा रहा है, खा रहा है, क्या बेरोजगारी बताएं? छोड़ दिए हैं, उससे अच्छा है ना? छोड़ दे, हमने छोड़े, सरकार ने छोड़े, किसान के है ना, किसान ने दूध, किसानों ने अपने खेतों में सांड छोड़ लिए अपना खेत खाने के लिए। नहीं, जब मेरी एक बात सुने आप, जैसे गाय दूध दे रही है तो मैं रख रहा हूँ, और दूध देना बंद कर दिया मैंने, छोड़ दी, तो ये किसकी कमी है? हाँ जी भाई साहब, कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, जो ये कह रहे हैं वो एकदम क्लियर है। अरे अच्छा, तो फिर किसको वोट किसको देंगे? नहीं, वोट तो मेरा जो है वो मेरा गुप्त है। हाँ, कोई दिक्कत, ओके, बिल्कुल अधिकार, वोट मेरा गुप्त है। ये है, देखो, देखिए कुछ लोग, नागरिकों का अधिकार है, आप अपनी मर्जी है, जहाँ वोट दें वोट दें, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। बिल्कुल सही बात, ठीक है। हाँ जी, शुभ नाम क्या है? जी, मेरा नाम धर्मवीर सिंह है। धर्मवीर सिंह जी, क्या करते हैं आप? मैं सिलाई की दुकान पर काम, सिलाई का काम करता हूँ। सिलाई का काम करते हैं? रोजगार है आप? नहीं, रोजगार है। क्या नौकरी क्या करते हैं? नहीं, नौकरी नहीं, मेरा खुद का सिलाई का काम है। सिलाई का काम है, तो पूरे खर्चे, खाना खर्चे अच्छी तरह चल जाता है? हाँ, चल जाते हैं, जैसे चलते हैं वैसे। अच्छा जी, ठीक। ये कुछ लोग हैं, ये भाई साहब हैं, क्या ये इनका लीजिए, क्या शुभ नाम है मानेवर? मेरा नाम आसू नाम है। आसू जी, क्या करते हैं दोस्त? किसानी करता हूँ। किसान, लो जी, हाँ जी, कुछ लोग देखो जयश्री मालेवा है, कोई यहाँ ये नहीं है, हर पार्टी को लोग प्रतिनिधित्व करते हैं, अपने अपने विचार हैं। हाँ जी, हाँ जी, क्या करते हो दोस्त? हमारा तो किसान है। किसान है? हाँ। तो नौकरी क्यों नहीं करते? नौकरी नहीं करनी है, बाबा के बाबा बनेंगे, बाबा बनेंगे। हाँ, बाबा योगी आदित्यनाथ। ये सुनिए भाई, ये का नया उत्तर प्रदेश में तथ्य लिखा गया, वो नौकरी करना ही नहीं चाहते, वो बाबा बनना चाहते हैं। हाँ, तो बाबा भी तो चला रहा पूरा देश, बाबा इसलिए बाबा बनना है, इसलिए तो बाबा बनना है, तो ये बाबा बनना चाह रहे। क्या शुभ नाम है? मेरा नाम भानु प्रताप सिंह। भानु प्रताप सिंह, अच्छा। हाँ जी मान्यवर, आप क्या करते हो दोस्त? किसान ही है, है? किसान है। हाँ जी, किसान है, वेरी गुड। तो मिर्ची के जो फसल है उसका दाम पूरा मिल जाता है? मिल जाता है, घाटा है, जाता है। घाटा क्यों हो जाता है? मिल जाता है तो घाटा होता है। घाटा क्यों होता है? मैं ये कह रहे हैं, घाटा होता तो खुश होते हैं आप। अरे यार, आपसे बात कर ले, जितेंद्र। जितेंद्र जी, क्या करते हैं? मजूरी करते हैं सर, मजूरी करते हैं। अच्छा, कितने मजूरी मिल जाती है भाई? 200-250 रुपए। 200-250 रुपया। ये देखिए, यहाँ पर कुछ बीजेपी के भी हैं, कुछ सपा के भी हैं। मैं इस नारकी धोकल गांव के बालीमीकी मोहल्ले से अलग अलग लोगों ने अलग अलग काम, अलग अलग बातें की। कुछ ने कहा कि गरीबी से त्रस्त लोग हैं, कुछ ने कहा मजदूरी नहीं मिलती, कुछ अलग अलग, और कुछ कहते नहीं हम तो इसी में खुश हैं, कुछ कहते हम बाबा बनेंगे, कुछ कहते हम नौकरी करना ही नहीं चाहते, कुछ कहते नहीं सारी सुविधाएं हैं। तो भैया, उन्हें जो सुविधाएं हैं मुबारक। और मैं अनिल कुमार, गांव से, नारकी धोकल से, बालीमीकी मोहल्ले से, गरीबी की समस्या, भुखमरी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या को उजागर करता हुआ बाल्मीकि समाज की जो बहुत सारी समस्याएं हैं, जिस तरह से मनीषा बाल्मीकि को जला दिया गया और उन्हें अंतिम संस्कार नहीं करने दिया, और जो आगरा में बाल्मीकि समाज के लड़के को जान से मार दिया गया, पुलिस कस्टडी में मार दिया गया, ऐसी समस्याओं को उजागर करता हुआ अनिल कुमार, जय भीम जय भारत।